आप अपने सामने देख सकते हैं काम कैसा हो रहा है। उसके लिए मैंने चुने कुछ बेस्ट कारीगर। ये जो कुटा जा रहा है क्यों कुटा जा रहा है ऐसे ना, और कम से कम पुट्टी आना तभी पॉसिबल है। स्कॉर्पियो बनाई थी, पलटी हुई स्कॉर्पियो। वो स्कॉर्पियो मैंने देखी थी, ऊपर की डेंटिंग हो जाती है, नीचे रह जाता है। अभी जाते हैं इसको हीट ट्रीटमेंट देने के लिए। वहां के करवाते हैं तो उनकी पेंट और यहां का पेंट कुछ फर्क होगा? खराब हो गया तो हम दोबारा करके देंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, साथ में बहुत दर्द भरी वीडियो भी होगी, क्योंकि एक कार लवर के लिए अपनी कार की डेंटिंग देखना बहुत मुश्किल भरा काम होता है। लेकिन आपको वो देखना पड़ेगा, क्योंकि वो नॉलेज इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ जो शायद कोई भी आपको नहीं देगा। वो कुछ पॉइंट्स अंदर के बताऊंगा, सिर्फ एक कारीगर ही वो पॉइंट बता सकता है। डेंटिंग तो हम लोग करा लेते हैं, दे देते हैं कि साहब डेंटिंग कर दीजिए, पेंटिंग कर दीजिए, काम फिनिश। हम पेंट होने के बाद गाड़ी को देखते हैं, हाँ जी बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन अंदर काम क्या हुआ वो आपको नहीं पता। कई बार गलत तरह से की गई डेंटिंग आपकी गाड़ी की स्ट्रेंथ खत्म कर देती है, गाड़ी कमज़ोर हो जाती है, बॉडी ख़राब हो जाती है, और बहुत जल्द गाड़ी आपकी रस्टिंग खाने लगती है। तो आज की वीडियो में कुछ स्पेशल ट्रिक्स आपको बता दूंगा, जिससे कि आपको आगे गाड़ी का काम करवाने में आसानी होगी। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि मैंने गाड़ी एक्सीडेंट होने के बाद इंश्योरेंस क्लेम नहीं लिया, दोनों चीज़ों को कंपेयर करके आपको दिखा दिया। आखिर क्लेम ले रहा हूँ और बाहर करा रहा हूँ तो कितना खर्चा आ रहा है। अब खर्चा भी कम आए और क्वालिटी सर्विस सेंटर से भी ज़्यादा अच्छी हो, उसके लिए मैंने चुने कुछ बेस्ट कारीगर। तो लास्ट जो एस्टिमेट था इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस क्लेम लेने में आपको टाइम का प्रोसेस लगता है बहुत ज़्यादा, यहाँ बचता है आपको टाइम। दूसरी चीज़, आप अपने सामने देख सकते हैं काम कैसा हो रहा है। अब ये जो काम होता है इसके ऊपर दो कारीगर काम करते हैं। अभी जो पहला प्रोसेस चल रहा है ये चल रहा है डेंटिंग का, ये भाई साहब डेंटिंग कर रहे हैं। आपके जो डेंट आ गए हैं गाड़ी के, लेवल करना पहला प्रोसेस होता है, उसको लेवल करना। लेवल करने के बाद प्रोसेस होता है पेंट करना। दोनों जगह अलग अलग कारीगर काम कर रहे होते हैं, और दोनों में जो स्पेशलाइजेशन होता है वो चीज़ें आपको बताऊँगा जो ध्यान रखने की होती हैं, और एक अच्छा कारीगर क्या काम करता है वो चीज़ें कुछ भाई साहब से भी पूछेंगे। और एक चीज़ बता दूँ आपको, यहाँ साइड में एक क्लाइडिंग थी, वो क्लाइडिंग डैमेज हो गई थी, जो उन लोगों ने लास्ट वीडियो देखा वो समझ जाएंगे। ये न्यू क्लाइडिंग ले ली है हमने टाटा सर्विस सेंटर से, 493 रुपये की कुछ ये पड़ी है। बाकी प्रोसेस अभी आगे दिखाता हूँ। ये जो कुटा जा रहा है क्यों कुटा जा रहा है ऐसे ना, जैसे ये हल्का सा भी डेंट रह रहा है ये। हाँ हाँ, ये सब दिखा देगा। अच्छा, इसलिए हाँ, अब जैसे यहाँ नहीं लगा। हाँ और जब इस पे पुट्टी भी भर जाएगी तो इस पर रेगमाल मारा जाएगा। जरा सा भी कमी होगी ये ब्लेड दिखा देगा। अच्छा, इसलिए उसको चेक कर रहे हैं। अब इस वाले को निकालो, अब इस साइड ले जाओ। अभी देखो जी, ये जो पैनल अंदर गया है ना, इसको खींचने की तैयारी चल रही है। इसके अंदर लगा रहे हैं जंजीर और यहाँ से बांधेंगे और फिर इसको टाइट करेंगे धीरे धीरे, तब ये बाहर को खींचेगा। और दूसरी चीज़, डेंटिंग और पेंटिंग दोनों काम एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। अब अगर डेंटिंग अच्छी हुई है तो पेंटर को मुश्किल कम आती है, लेकिन अगर डेंटिंग में प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पेंटर को पता चल जाएगा कि इसकी डेंटिंग अच्छी नहीं होगी। क्यों? लेवलिंग अगर प्रॉपर नहीं होगी तो उनको उस जगह पर ज़्यादा पुट्टी का इस्तेमाल करना पड़ता है। पुट्टी जितनी ज़्यादा होगी उतनी नुकसान है, उतनी पेंट की फिनिशिंग नहीं आएगी, और ऊपर से फिर आपको वो उतना मोटा एक एरिया अलग से दिखेगा। आप कहीं भी चेक कराओगे तो अलग ही उसका लेवल आ जाता है। तो पेंटिंग का एक बेस्ट प्रोसेस होता है कि कम से कम पुट्टी आए, और कम से कम पुट्टी आना तभी पॉसिबल है जब डेंटिंग अच्छी हो। और ये भाई साहब का काम मैंने देखा हुआ था, इसलिए मैं आया। इन्होंने भी एक स्कॉर्पियो बनाई थी, पलटी हुई स्कॉर्पियो। वो स्कॉर्पियो मैंने देखी थी, क्या क्या काम था करने से पहले और बाद दोनों देखा था, इसलिए मैं थोड़ा सा दूर आया। लास्ट टाइम आपने देखा होगा जहाँ मैंने एस्टिमेट लिया था खर्चे का, वहाँ नहीं गया मैं, आया हूँ थोड़ा दूर। अगर हम इसका अंदर वाला पीस खींच के सीधा नहीं करेंगे ना, तो ये थोड़ा अंदर ही दिखाएगा।
दिखेगा ही अंदर, अंदर ही दिखेगा। लेकिन ये कि आम आदमी को पता चलेगा? अभी से ना ना बिल्कुल पता नहीं चलेगा, आम आदमी को पता नहीं चलेगा। अब इसे खींच के ये अंदर वाला पीस भी हमने पूरा बाहर ले लिया। ठीक, अब हम इसे बिना खींचे इसको बाहर करते हैं तो अंदर वाला पीस वहाँ अंदर ही रहता, अंदर ही रहता। हाँ, फिर उसे जुगाड़बाजी से टाके मार के छोड़ देता है डेंटर। ठीक है जी, अब इसको ये पूरा अंदर अंदर वाला पीस करा हमने इसको सीधा खींच के। अब इसके बाद खोल के ये बाहर से सीधा हो जाएगा। अभी जो भाई साहब आपको बता रहे थे ना, एक्चुअल में ये जो आपको ऊपर लेयर दिख रही है, इसके नीचे भी एक डबल लेयर होती है, डबल लेयर चल रही होती है। ऊपर की डेंटिंग हो जाती है, नीचे रह जाता है, तो नीचे वाला दबाना रहे, इसके लिए बता रहे हैं कि इसको खींचा है। आप देखो ऊपर एक पीस है और नीचे इसकी चादर और होगी, डबल शीट होती है। तो देखो जी ये है इसके अंदर डबल शीट, ये दिख रहा है आपको, ये डबल शीट के अंदर पीछे वाले को खींचा इन्होंने, अब ये ऊपर से कर रहे हैं। अच्छा, इसको अगर मैं भाई साहब सर्विस सेंटर पे कराता तो भी ऐसा ही होता क्या? हाँ, यही काम होता। हाँ भाई, भी ऐसे होता, ऐसा ही होता। अभी देखो जी ये डोर की डेंटिंग हो चुकी, लेकिन एक चीज़ और है, अभी दिखाता हूँ, इसकी भी डेंटिंग हो गई, ये प्रॉपर। अब जब ये डोर डेंट किया जाता है ना, जब गाड़ी लगती है, तो इसके बाद अब ये डेंटिंग करने तो कई जगह आपको ऐसा फूला हुआ आएगा, आपको ऐसा फील नहीं होगा, देखने में बिल्कुल बराबर दिखेगा। लेकिन इसको सही काम करने के लिए इसको ज़रूरत होती है हीट ट्रीटमेंट देने की। इसको थोड़ा सा हीट देंगे तब ये स्ट्रेच होगी और तब बिल्कुल ये लेवल पर आएगी। और दूसरी चीज़ टाइमिंग भी दिखाऊँगा आपको, टाइमिंग लगती कितनी है। अभी जाते हैं इसको हीट ट्रीटमेंट देने के लिए। और कई बार ऐसा होता है कि लोग इस तरह का काम नहीं करते और उसके बाद क्या करते हैं, इसके ऊपर पुट्टी लगा के लेवल कर देते हैं। हम जो काम करवा रहे हैं परफेक्ट तरीके से करवा रहे हैं ताकि पुट्टी का यूज़ बहुत कम से कम हो। अपनी जगह भाई साहब, ये हीट देने का एक बार मकसद समझा दो ज़रा, क्यों क्यों दिया गया ये? अरे अरे, देख के देख के देख के, अब ये बता दो ये हीट क्यों दी, मतलब क्या क्या फ़ायदा इससे? जब ये गाड़ी लग जाती है तो ये चादर प्रॉपर थोड़ा फालतू हो जाती है। अच्छा, ठीक, जो फालतू चादर टिप दिखाने से चादर अपनी जगह पर पहुँचाना पड़ती है इसको। जैसे मैंने इसका इंश्योरेंस था, मैं इसका सर्विस सेंटर में करा था, कैशलेस होता, और अगर मैं बाहर कराता तो आपके पास हम कैशलेस दे देंगे आपको? कैशलेस दे दोगे? मतलब वही क्लेम सारा कुछ करके, सारा काम ऐसा ही काम है, यहीं पे इसी गैरेज पे। और इसका अगर टाटा से था इंश्योरेंस, मैं यहाँ कराना चाहता हूँ, कर देंगे, कोई दिक्कत कर देंगे पूरा। टाइम उतना ही लगता है या कम लेते हो? थोड़ा कम कर देते, कोई दिक्कत, थोड़ा कम कर। जैसे मैंने इसका मैंने एस्टिमेट लिया था तो ये लोग बोल रहे थे 15 दिन लूँगा, ठीक है। यहाँ पर कराते तो कितना पड़ता अगर क्लेम से? काम क्या होना था गाड़ी में, मान लिया ही था, ये देखो ये था, ये पैनल था, एक हफ्ता मान लो, पाँच दिन में क्लेम के साथ हो जाता, क्लेम के साथ मैक्सिमम 5 दिन। अच्छा, दूसरी चीज़ वहाँ के करवाते तो उनकी पेंट और यहाँ का पेंट कुछ फ़र्क होगा? कोई फर्क? सेम ही होगा, सेम होगा पेंट बिल्कुल। किस कैसे के, मतलब वो लोग जो यू पेंट यूज़ करते हैं वही पेंट आप लोग भी यहाँ भी, यानी कि ऐसा कोई डिफरेंट नहीं होता? ये बात कंपनी में होगा, गारंटी भी देते हैं हम, गारंटी गारंटी भी देते हैं। अच्छा, बिल्कुल खराब हो गया तो हम दोबारा करके देंगे, दोबारा करके देंगे बिल्कुल। नहीं, कंपनी वाले भी कभी कभी कर देते हैं, जैसे इनको बोलो कि साहब ये ऐसा हो गया तो कर देते हैं वो लोग, बाकी वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे उन्होंने बोला था कि ये डोर चेंज करेंगे, ये डोर क्लेम के लिए, क्लेम के लिए नॉर्मली डोर चेंज होने लायक था ये? हाँ, आप बताओ। चेंज होने लायक हो जाएगा आपको? ये ओरिजिनल नहीं मिल पाता फिर नया? नहीं ये मिल पाता, ये जो बिडिंग आ रही है, ये देखो जी आप लोगों को भी दिखा देता हूँ, ये जो सीलेंट होता है ना, ये ओरिजिनल सीलेंट आता है गाड़ी के साथ लग के। दोबारा जब आप डोर लगोगे, नया भी डोर ले लोगे ना, तो ये सीलेंट उसमें नहीं मिलेगा। और ये डेंट होने के बाद प्रॉपर ऐसा हो गया, आपसे इस पर पड़ना है पेंट। कुछ बारीकियाँ बताओ भाई साहब डेंटिंग की, जैसे आपने ये डेंटिंग की, क्या गड़बड़ होता है और क्या सही होता है? कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जो गड़बड़ करते होंगे, मान लो अगर ये जल्दी जल्दी करना होता, दिल्ली में काम होता है क्या, फटाफट करके भेज देते हैं, तो ये बिटिंग सेट नहीं होगी, बिटिंग सेट ये टेढ़ी मेढ़ी रहेगी। अब क्यों बार बार निकाल कर क्यों डाल के सेट करना पड़ रही है, इसीलिए करना। अच्छा, क्या ऐसा भी होता है डेंट नहीं निकालेंगे ऊपर से पुट्टी भर देंगे?
होता है बहुत होता है जल्दबाजी में, कस्टमर सामने नहीं हो तो क्या है। अच्छा अब देखो जी, ये डेंटिंग प्रॉपर करके अभी ये पुरानी बीडिंग लगाई है इन्होंने, पुरानी बीडिंग लगा के सेट कर गैप सेट कर रहे हैं। देखो गैप बिल्कुल प्रॉपर उतना है जितना ओरिजिनल का था, कहीं भी गैप ज़्यादा नहीं है कम नहीं है, ये देख लो आप पूरा मैच। तो भी भाई साहब बता रहे थे, देखो जी ये डेंट किया ना, अच्छा प्लीज एक मिनट, ये डेंट किया ना नीचे से खोल के किया, कई बार लोग क्या करते हैं आप बताओ जरा कैसा होता है। ऊपर से फाड़ देते हैं ना, यहाँ से काट के निकाल लेते हैं कुछ लोग, यहाँ से काट के खराब हो जाती है वो, फिर मजा नहीं आता ना, इससे हो जाता है पूरा पीस खराब। अब इससे जो काम हुआ पूरा ओरिजिनल हुआ, जैसे ये डोर पूरा बैंड हो गया था अंदर से। हाँ, ये ओरिजिनलिटी भी आपकी बच गई, ये डोर भी सेट हो गया आपका। अब यहाँ से बस पुट्टी पैंट कर देना, पता ही नहीं चलेगा ये आपका। और अगर नया डालते तो क्या होता फिर? ये बॉन्ड चीज नहीं मिलती ना, बॉन्ड नहीं मिलती, ये कंपनी की नहीं आती। इस बॉन्ड के क्या फायदे होते हैं? जंग भी नहीं आती है रस्टिंग के लिए। हाँ, जंग भी नहीं आती है। डबल चादर को सील कर रखा। अभी कितनी देर में फ्री हो जाएंगे हम? बस 10 मिनट लग रहे हैं। 10 मिनट बाद फ्री। बेटा पीछे लगा। 1:34, 2.5 घंटे लगे हैं पूरे प्रोसेस में। ये पहुंच गए भाई साहब 1500 रुपये। तो जी फाइनली पूरा जो डेंटिंग वर्क था वो कंप्लीट हो गया, जो बैंड वैंड करना था कर दिया, और ये एक बिडिंग रह गई है, ये लास्ट में फाइनल जो पेंट हो जाएगा उसके बाद लगाएंगे। और इसमें जो टाइम लग गया वो मैंने आपको दिखा दिया। पैसे कितने लगे इस पूरी डेंटिंग के? मैंने चार्ज दिए 1500 रुपये। मैंने कराया था ये कहाँ पे? एक लोकल वर्कशॉप है हमारे यहाँ, लालपुर बोल के जगह पड़ती है, लालपुर रास्ता आता है, ये भारत मोटर करके है। काम इन्होंने बहुत अच्छा किया है। और इनको मैं ढूंढ के आया था एक्चुअली, मैं लास्ट में मैंने इनका एक काम देखा था, एक स्कॉर्पियो बनाई थी इन्होंने, तो वो काम देख के मुझे लगा कि इनसे कराना चाहिए। अगर आपको भी ऐसा लगता होगा कि आपके किसी गाड़ी में काम है कुछ है, तो एक बार यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, इनके पास इंश्योरेंस वाला भी काम हो जाता है, अगर इंश्योरेंस से लेना चाहते हैं तो वो क्लेम भी हो जाता है। और वैसे नॉर्मली कराते हैं तो इनके चार्ज भी बिल्कुल जेन्युइन है, वो जेन्युइन चार्ज में आप करा सकते हैं जी। तो फाइनली अब जो इसका नेक्स्ट प्रोसेस रह गया है वो है इसका पेंटिंग का प्रोसेस। पेंटिंग का प्रोसेस आपको दिखेगा नेक्स्ट वीडियो में। और आज की इस वीडियो में अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, या फिर अगर चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।